तो हमने भी इतनी मौतें देखी आपने भी देखी होंगी भाई कोई भी किसी भी टाइम पे इस दुनिया से जा सकता है तो शुक्र अदा करो आप कितना सेहत का ख़्याल कर लो गोरों गोरों को जो हम कहते हैं ना उनकी उम्रें लंबी हो गई हैं वाकई ऐसा है सेहत का बहुत ख्याल करते हैं लेकिन हादसाती मौ, मौत उनके यहाँ भी बहुत होती है मेरे तो डॉक्टरों से भी रबते हैं ना यूरोप में कुछ जानने वाले डॉक्टर हैं वो बताते हैं कि हम खुद परेशान होते हैं भाई इसको हुआ क्या है यानी एक आदमी कैंसर से बचने के तमाम इसबाब इख्तियार करता है इंतहा ख़तरनाक किस्म के कैंसर में मौत होती है उसकी मैंने कैंसर स्पेशलिस्ट से पूछा मैंने कहा भाई जब कैंसर से बचने के तमाम असबाब एक आदमी इख्तियार कर रहा है ना वो सिगरेट पी रहा है ना वो कुछ और कर रहा है कोई ऐसा काम जो कैंसर का जरिया है फिर कैसे हो गया उन्होंने कहा कुछ पता नहीं होता हवा से कोई जरसुमा उठ के अंदर चला जाए कब तक कैसे बचेगा आदमी कोरोना में देख लें कितने लोगों ने अपने आप को आइसोलेट किया इतना बचा जाना कि लेकिन कोरोना पता नहीं कहां से उड़ के उनकी नाक में पहुंचा और मार दिया उनको उबर भी गए वो एहतियात तो करनी है एहतियाती तो शरीयत में जायज़ नहीं है लेकिन होगा वही जो कौन चाहेगा अल्लाह चाहेगा हमारे हमारे जिस्म पे हमारी हुकूमत नहीं है तो उन्होंने बयान में फ़रमाया कि कैंसर हुआ इतना ख़तरनाक हड्डियों का ढांचा बन गया वो आदमी उसको यकीन हो गया कि मैं दुनिया से जाने वाला हूँ कोई कुछ नहीं कर सकता सबको बुला के माफ़ी मांगी तोबा की और अल्लाह ने अच्छी मौत दी तभी तो उलमा ये कहते हैं और ये हदीस से इस्तलाल किया है कि वो नेमत जो आपको अल्लाह से दूर कर दे वो नेमत नहीं बल्कि अजाब है और वो मुसीबत जो आपको अल्लाह के करीब कर दे वो मुसीबत नहीं बल्कि नेमत है अब देखो मरना तो सब नहीं है वो अगर उसी खुशहाली वाली ज़िंदगी में मर जाते मरत के मरते हैं जो उनके हालात चल रहे थे टेंशन में मरे तो तौबा की अल्लाह ने तोफ़ी दे दी हमारे एक दोस्त ने वाक़ बताया ये बड़ा ऑथेंटिक वाक़ है के एक क्रिश्चन था ईसाई था उसकी जब मौत का वक्त आया ना इधर ही कराची का बड़ा ताजिर था वो उसकी मौत का वक्त आया ईमान नहीं है ना तो अब देखो परेशानी में भी उसको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है कि मुझे क्या करना है मौत का वक्त आया जब डॉक्टरों ने बता मौत का वक्त का मतलब डॉक्टरों ने बता दिया कि आप अब ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं रहोगे तो उसने क्या किया अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्त दो ताजिर थे ना उनको जमा किया और उनको ये कहा के मेरे लिए ना बहुत बड़ा लग्जरी किस्म का बंगला खरीदो डिफेंस में समझ रहे मैं चाहता हूं कि मेरी मौत उस बंगले में हो मेरा जनाजा वहां से उठे क्यों भाई अब खैरियत दुनिया की मोहब्बत की आपको मिसाल दे रहा हूं कि कहां तक इंसान को लेके जाती है हम तो कह रहे हैं जिंदा भी हो तो बंगलों में दिल ना लगाओ कल मर सकते हैं आज मर सकते हैं और नहीं भी मरे तो बीस तीस साल का ठक ठक करके तो टाइम गुजरता है भाई इतना टाइम थोड़ी है इसमें तो वो कहने लगा कि वो वो जो ईसाई था कहने लगा कि मेरे साथ के टके टके के ताजिर उन्होंने बंगले बना लिए तो मैं उनको दिखाने के लिए कि मैं तुमसे कम नहीं हूं ऐसा मेरी पूरी जो जायदाद है ना उसे बेच के इतना बड़ा बंगला होना चाहिए ऐसा लग्जरी होना चाहिए कि मेरा जनाजा उठे तो ये दो टके टके उसके अल्फाज हैं टके टके के जो जो है ना जो मेरे से बहुत पीछे और बड़े बड़े बंगलों में फखर कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं मेरी जनाजा उठे ऐसे बंगले से चूंकि ईमान नहीं है गाइडेंस नहीं है उसको पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या ओ भाई तू जो अपने ताजरों को नीचा दिखा के तुझे मिलेगा क्या मर गए तो मरने के बाद तो कोई आपकी तारीफ करे या कोई आपकी बुराई करे आपकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा तो शुक्र अदा करो अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है टेंशन आती है तो हमें पता तो चलता है किसको किससे जाके फरियाद करनी है किसको हमने मनाना है ये मुसीबत देने वाला कौन है मुसीबत हमसे दूर करने वाला कौन है जिसने मुसीबत दी है उसने बताया कि इसमें भी तुम्हारा फायदा है ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है देखो जितनी बदहाली का शिकार दुनिया में मुसलमान है ना इतना बदहाल दुनिया में कोई नहीं है लेकिन डिप्रेशन के मरीज सबसे कम आपको मुसलमानों में नजर आएंगे सबसे कम वजह क्या है भाई अल्लाह है अल्लाह है कोई देख रहा है कोई खुद खुद नहीं हो रहा सब कुछ तो जो मजहब से जितना करीब होगा ना टेंशन से उतना दूर होगा वो तो दुनिया से दिल लगाना दुनिया मैं बताता हूं कि दुनिया में सबसे पहले जिस चीज से इंसान का दिल चिपकता है वो क्या है प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है वो मोटी मोटी दीवारें और महलात हैं जिनमें इंसान का दिल माइल होता है तो इन चीज़ों को देख के बोला करो मिट्टी जब आप जाओ ना किसी पोश एरी में यार क्या ख़ूबसूरत लाइफ स्टाइल बोलो बहुत अच्छा है लेकिन मेरी ज़िंदगी वफा नहीं करेगी इतना मेरे पास ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करने का टाइम है नहीं चीज़ बहुत अच्छी है शुगर के मरीज के सामने आप बहुत ख़ूबसूरत हलवा बना के रख दो चमकपटियाँ लगा दो उस हलवे में रसगुल्ले रख दो उस पर चमकपटियां लगा के बहुत खूबसूरत रसगुल्ले तो शुगर का मरीज क्या कहेगा यार ये बहुत मजे के हैं लेकिन ये मेरे लिए है नहीं क्योंकि मेरा मेदा इसको हजम नहीं कर सकता या मेदा हजम कर लेगा मे, मेरा मेरी बॉडी इसको हजम नहीं तो मेरे लिए है नहीं तो भाई दुनिया कितनी खूबसूरत हो कितनी अट्रैक्टिव हो कितने बड़े बड़े बंगले कितनी बड़ी बड़ी याशी आपका जिसम महदूद है आप ना ज्यादा खा सकते हैं ना ज्यादा लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं आपकी बॉडी आगे जाने ही नहीं देगी लोग कहते हैं यूरोप में नाइट है। याशी अबे भाई हफ्ते में क्या रोजाना नाइट क्लब जाके याशी करेगा बोलो ना क्या हो गया एक दिन जब याशी करेगा तो एक महीना बिस्तर पे पड़ा रहेगा वो जज्बात ही नहीं बनेंगे उसके नाइट क्लब में जाने के लिए जो जज्बात चाहिए इतनी पावर अल्लाह ने किसी में रखी नहीं है आप बड़े होटलों में खाना खाओ कि यार मैं मैं आज फोड़ दूंगा यार बहुत अयाशी करूंगा क्या खा के अयाशी कर लेगा पंद्रह से बीस निवालों के बाद जो पहले लुकमे में मज़ा था वो बीसवें लुकमे में वो मजा नहीं आएगा क्या ख्याल है ऐसा ही है ना बल्कि दो तीन दिन वही खाना खाया ना बकरे की वहां पे तो उसके बाद कहेगा भाई तू मसूर की दाल लेकर करा हटा दे यहां से मेरे सामने से सब्जी ले आ जाके बकराइद में ऐसा ही होता है ना गोश्त ज्यादा खाने के बाद सब्जी खाने का दिल करता है तो ये अयाशियाँ बहुत महदूद हैं और कमाल की बात यह कि दुनिया में जो हलाल अयाशियों पर इक्तफा करते हैं ना वो बहुत तवील अरसे चलते रहते हैं वो ज्यादा मज़े उड़ा लेते हैं जो हराम की तरफ जाते हैं वो वक्ती तौर पर थोड़ा सा मज़ा लिया उसके बाद वो हलाल के काबिल भी नहीं रहते उनको हलाल में भी लज्जत खत्म हो जाती है लज्जत नाम है उस एहसास का जो आपकी खोपड़ी महसूस करती है वो एहसास आपके हाथ में अल्लाह ने नहीं दिया मिसाल के तौर पर आप अगर यह चाहते हो कि मैं बहुत ही मुरगन खाना खाऊं और मुझे उसमें जितना मजा अभी आ रहा है इसका डबल मजा आए तो आपने वो जो वेटर था ना उसको पांच सौ रुपए ज्यादा दिए कि इसमें ऐसा कर ले कि ये डबल मजा हो जाए क्या क्या भाई इतना ही आएगा इससे ज्यादा नहीं आएगा कितना ही मजे का खाना हो आप अपने दिमाग की हिस्स थोड़ी बढ़ा सकते हो समझ में आ